हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली खान छोटू। है गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बेबहरा किराक आखिरी सवाल लेके आया हूँ मैं हैदराबाद के अवाम के बीच। जो भी विनर बनता, बंदा रहें दो या बंदी रहें दो, बहरहाल ये हमारा सवाल है। तीन सवाल है छोटे छोटे। एग्जीबिशन कौन से ईयर्स में ओपन हुआ और किसकी सदारत में फाउंडेशन रखा गया और ये फर्स्ट कहाँ पर था एग्जीबिशन, ये बताना है बंदे को विनर बनने के लिए। तो अब पब्लिक बाहर थोड़ा पूछेंगे अपन, फिर एग्जीबिशन में लेके जाऊंगा आप लोग को, अंदर का नज़ारा बताऊंगा, अंदर भी अपन सवालत करेंगे, कैसे स्टॉल कंप्लीट हुए नहीं हुए, किस तरीके से काम हो रहा आप लोग को लेव बताऊंगा। मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए। तो थोड़ा बाहर पूछ लेके अपन अंदर भी जाएंगे, विजिट करेंगे, ठीक है? कम ऑन, फॉलो मी। कितने साल से लगता है एग्जीबिशन? एग्जीबिशन 80 साल के ऊपर से चल रहा है। अच्छा, ये एग्जीबिशन की बुनियाद कौन रखे, फाउंडेशन कौन रखे? उतना आइडिया नहीं है, तड़िया नहीं है। पहले कहाँ लगता था एग्जीबिशन? यहाँ से लगता था। इससे पहले? इससे पहले पूरा पहले से ही यहाँ से, पहले से ही यहाँ से। अच्छा, हमारे बचपन से तो यहीं है, उतना तो नहीं मालूम मेरे को। किसको भी मालूम नहीं है, वो अंदर देखना पड़ता है। अच्छा, एग्जीबिशन के अंदर गए तो मालूम होगा। मालूम होता है, अब बाहर किसको मालूम नहीं है एग्जीबिशन, वो ट्रस्ट सोसाइटी सब रहता है उसके अंदर। अच्छा, हाँ। तो कितने ईयर से लग रहा है? हैदराबाद में ईद हो रही, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्जीबिशन है यहाँ पर हैदराबाद में। तो पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में। बराबर, सही है ना? सही है। मेरा बचपन से 76 से स्टार्ट हो गया। अच्छा, पहले फर्स्ट कहाँ लगता था एग्जीबिशन? वो आइडिया नहीं है। वो आइडिया नहीं है? पहले का तो आइडिया नहीं है मेरे को। पहले का आइडिया नहीं, नहीं है। अच्छा, कितने साल से लग रहा है एग्जीबिशन? लग रहा होगा 45 साल हो गए। 45 साल, 45 इयर्स। अच्छा, आप 40, आप 28 के, 23 के? आप? मैं 50 का। अच्छा, 50 के आप? तो 40-45 साल से लग रहा। हाँ, मेरे। अच्छा, एग्जीबिशन का फाउंडेशन किसने रखा, कुछ आइडिया है? उसके बारे में आइडिया नहीं है भाई। नहीं आइडिया, खाली एग्जीबिशन आ रहा जा रहा, बस आ रहा जा रहा दिख रहे बस। झूले झूल रहे बचपन में? झूले 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 कैसे रहे थे झूले? बड़े झूले थे ना, एकदम किराक है, कुछ नए आने वाले बोल के भी मालूम हो रहा। अच्छा, क्या बोलते हैं? सही बात। फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ लगता था पहले? यहाँ पे लगा सर। कहाँ पे? यही एग्जीबिशन ग्राउंड पे लगा। मेरे पे लगा? हाँ, फर्स्ट यहीं से लगता था। यही लगता था। इससे पहले कहाँ लगता था वो नहीं मालूम? नहीं नहीं, आँखा खोल के बात करिए ना, आप सुरमा लगाए कहाँ से? एग्जीबिशन का पहले से यहाँ से ही से। जी, नहीं मालूम? नहीं मालूम। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सबको नमस्ते। एग्जीबिशन ग्राउंड जो है ये, हाँ, फर्स्ट कहाँ लगता था एग्जीबिशन पहले? एग्जीबिशन में लगता अभी कहाँ लगता? पहले फर्स्ट कहाँ लगता था? मेरे को नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। अच्छा, एग्जीबिशन का फाउंडेशन किसने रखा, बुनियाद यहाँ पर एग्जीबिशन लगाएंगे बोल के, कौन रखे एग्जीबिशन? नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम। लंच नहीं हुआ क्या आपका? हो गया। होगा, क्या दिए? क्या दिए लंच में? अरबी का सालन। अरबी? अरबी का सालन घर से आया था टिफिन लेके आते बना के। अच्छा, बना के, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से असेंबली के साइड। असेंबली के साइड कहाँ पर लगता था? सही जा रहे आप, बागान जो बोलते हैं वो साइड ना, निजामबाग। हाँ, असेंबली के अंदर वो साइड। अच्छा, पब्लिक गार्डन? पब्लिक गार्डन। अच्छा, वहाँ पर लगता था, सुना मैं भी। क्या? अच्छा, कितने ईयर्स पहले लगता था? मेरे ख्याल से देखिए ये तो 74 या 75 ईयर्स से इधर लग रहा। अच्छा, इससे पहले वहाँ का था ना? हाँ, तो ईयर्स बोलो, कौन से ईयर्स? कितने ईयर्स बोले तो आप 75 बैक जाओ आप। अच्छा, बैक चलेगा तो मेरी उम्र तो उतनी नहीं है। मैं कहता मेरी उम्र कैसा जाती? नहीं मालूम मेरे को, नहीं मालूम। ओके, शुक्रिया। आप बोलिए साहब। क्या है कि साहब, नहीं मालूम, नहीं मालूम। एग्जीबिशन जो है ना भाई, काफ़ी टाइम से मेरे बचपन से डब्बा देख लेता है, मैं एग्जीबिशन के बाहर ही है मेरे बचपन से। तो एग्जीबिशन पहले फर्स्ट कहाँ लगता था? गेट के अंदर लगता था। गेट के अंदर लगता था? पहले कहाँ लगता था? इधर नहीं लगने से पहले, उससे पहले कहाँ लगता था? हम जब से देख रहे हैं यहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहीं देख रहे हैं। तो इसकी बुनियाद कौन रखे, उनका नाम बताइए। तो नहीं मालूम, नहीं मालूम। बच्चे? अच्छा, अच्छा लगा। चार मिनट? अच्छा है, चार मिनट अच्छा है। अच्छा है, अच्छा। यहाँ का फूड कैसा है साहब? बहुत मजा है, करने जा रहे हैं अभी, अभी ट्राई करने जा रहे हैं। यहाँ हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब, हैदराबाद के अखलाक, हैदराबाद की बेभरी बिरयानी, एकदम किराक है मैडम। आप जाइए, मटन खाइए आप।
थैंक यू सो मच। पहले फर्स्ट कहाँ लगता था एग्जीबिशन? यहीं से, यहीं पे, यहीं पे लगता था। यहीं पे। इससे पहले कहाँ लगता था, कुछ आइडिया? इससे पहले नहीं, ये सनती ये है तकरीबन 82 इयर्स है यहीं पे ये। अच्छा हाँ, इसका कोई हो गए समझो 82 इयर्स। अभी कौन सा है अभी? 82 मेरे को नॉलेज नहीं है उतना। अच्छा नॉलेज नहीं है। किस चीज का कारोबार करते हैं आप लोग? कपड़े का, कश्मीरी। कितने साल से कर रहे हैं? मैं तो 12 इयर्स से कर रहा हूँ। 12। आप? मेरा एशियन कारपेट का है, कारपेट का है। मैं 15 साल से एग्जीबिशन में कर रहा हूँ जी। हाँ, ये एग्जीबिशन का फाउंडेशन किसने रखा, उनका नाम? ये एग्जीबिशन फाउंडेशन बहुत पहले की बात है। ये जब नहीं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ मेंबर्स और यहाँ के कुछ लोग मेंबर्स मिल के इसको एक यानी अपना कुछ नया चीज़ बनाया तो इसमें दिखाने के लिए उस दौर में करे थे। तो आज वो एग्जीबिशन आज कई आइटम पूरे यानी ऑल ओवर इंडिया से आने लगा। पहले तो खाली सिर्फ ये था हैदराबाद में, हम जो चीज़ नया चीज़ बनाएंगे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो भी बनाएंगे तो यहाँ पर वही मेंबर, आज से वही मेंबर के बच्चे पूरे करते हैं। अभी एग्जीबिशन चालू हो रहा? हाँ, इंशाल्लाह इस बार अल्लाह कंफर्म इस बार चालू होगा। स्टॉल पूरे बन, हाँ अलॉटमेंट भी हो रहे हैं, इंशाल्लाह अलॉटमेंट भी हो गया, स्टॉल भी रेडी हो रहे हैं पूरे। ये कौन लगाए फर्स्ट, किसकी बुनियाद कौन रखे, क्या है कुछ आइडिया? ये हम जब आए थे हमने सोसाइटी पे यहाँ पे ये लिया था, अपना फॉर्म वगैरह लिया था, तो हमें ये पता है कि ये यहाँ की जो सोसाइटी है इसको लगाती है। अच्छा, इससे पहले भी कितने इसके फार्मर्स थे उनका लिस्ट वगैरह इस दर में लगा है। अच्छा, बिल्कुल। बस 5-6 ईयर से कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 6 ईयर से। ओके, थैंक यू सो मच। आपको कुछ पता है भैया? बस हम तो वही साथ में है ना, एक साथ। एकदम चेहरे पे 12 बजे में दिख रहे हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल खुशी से है। खुशी से मत तो खुश रहो यार, खुशी टेंशन मत लो आप। मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश हैं। थोड़ा कलर मेरे को भी दे दो ना आपका। नहीं, कलर तो नहीं मिलता है। सैफरान खाओ, मामरा, मामरा और आप सैफरान खाइए और मामरा खाइए, इंशाल्लाह आपको भी ऐसा कलर मिल जाता है। बिल्कुल नहीं, वाकई फुल गारंटी वाला कलर है वो। बिल्कुल, यही तो गारंटी वाले माल हम वहाँ से लेकर आते हैं साथ में, जो हमारे एग्जीबिशन में डिस्प्ले रहता है। अच्छा, तो लोग इनको देख कर हमारे आइटम्स खरीदते हैं। कुछ बिजनेस करते हैं आप? जी, मैं कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर। कारपेंटर, ओके। कितने साल से कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये हमारा दादा है जब से कर रहे हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ लगता था पहले? पहले यहीं पे लगता था। यहीं पे? आप बचपन से देख लेते? बचपन से देख। अच्छा, मेरे बचपन से तो यहीं पे आ रहा हूँ एग्जीबिशन पे। अच्छा, ये इसकी बुनियाद कौन रखे, इसका फाउंडेशन कौन बनाए, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, हमारे हिसाब से तो हमारा दादा आए थे। दादा बनाया? हमारा दादा आए थे। अच्छा, एकदम परेशान परेशान दिख रही है, क्यों ऐसा टेंशन में? लाइट का बिल ज्यादा आया क्या? किसको, मेरे को? हाँ, मेरे नहीं, को फोन में बैलेंस तो जी नहीं, फिर मल्ला जला। मल्ला जला? हाँ, मल्ला जला। मल्ला जला? हाँ, मल्ला जला। मल्ला जला कोलकाता? कोलकाता मल्ला जला। हाँ, ओके। आई इधर आओ। कितने साल से काम करते हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में आप लोग? हाँ, हम तो लॉयर था है। लॉयर है? हाँ, हम लेबर है। लेबर? हाँ। क्या लेबर? मिस्त्री का लेबर है। अच्छा, मिस्त्री का लेबर हो। हाँ, ओके। कितने एग्जीबिशन में कितने साल से काम करते हैं आप यहाँ पर? 3-4-5 साल। 4-5 साल। अच्छा, तो गाइस देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से स्टॉल्स कंप्लीट जुड़े हुए बना रहे उन लोग। कंप्लीट रेडी तो नहीं हुए अभी तक, अभी 10 डेज बाकी है एग्जीबिशन ओपन होने के लिए। अभी तो बहुत काफ़ी स्टॉल्स बनना है। हाँ, ये हमारा भैया का स्टॉल है। कहीं का है ये? फूलों का है। अच्छा, ठीक है। कितने साल से करते कारोबार यहाँ पर आप लोग? हम लोग करते हैं 8-10 साल से। 10 साल से। पहले फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ था साहब? फर्स्ट एग्जीबिशन बहुत दिन से यहाँ पर ही था, मतलब ये ग्राउंड में था, और 72-73 इयर्स। 72-73 इयर्स लगता। इससे पहले कहाँ लगता था फर्स्ट? फर्स्ट एग्जीबिशन ये ग्राउंड में लगता था, नामपल्ली ग्राउंड। हाँ, नामपल्ली ग्राउंड। इससे पहले कहीं नहीं लगा? नहीं नहीं लगा नहीं, वो भी आइडिया नहीं है साहब अपने को। अपन आगे 10 साल आ रहे हैं, अपन छोटे जब से खाली बस लपटना है, बस बस भ्रमचूरी कारोबार करना है बस। इसको झूले को हम लोग झूले को बना रहे, सेट कर रहे। झूले को सेट कर रहे जी। ये कौन सा झूला है? ये हवाई झूला, बड़ा झूला है। बड़ा झूला जैंट व्हील जी। अच्छा, डोली टाइप में जो आता है? जी जी जी। अच्छा, वो वाला है जी। तो अभी कितना टाइम लगेगा इसको? बस
टाइम अब बिल्कुल नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल स्टेक है, कोई काम कर रहे हैं। हाँ। बहुत जल्दी तैयार कर देंगे, 1 तारीख को तो चालू करना ही है। जी जी। अच्छा। हाँ। आप क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग सब हेल्पर है, काम कर रहे हैं, इधर फिटिंग करने वाले इंचार्ज सब साथ में। आप झूठ बोल रहे हैं आप। जी नहीं, ऐसा नहीं, कसम खा के बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको देखा, मैं 1-5 साल से तो देख लेते आ रहा हूँ, आप मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं। जी जी जी, बाइक भी चलाते हैं। जी बाइक भी चला लेते हैं, पर अभी इधर थोड़ा काम भी करने का है, अपना सेटिंग है इसको करने का है। हाँ। तो बच्चे लोगों को साथ मिलके मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। अच्छा। जल्दी प्रोसेस अपना आगे बढ़ जाए। ओके ओके। इसीलिए अभी ये साल कितने गाड़ियाँ चलेंगे मौत के कुएं? इस बार 8 बाइक चलेंगी। 8 बाइक? जी। और कार कितने चलेंगी? 4 चलेंगी, 5 भी चला सकते इस बार, चांसेस है। अच्छा। जी ओके जी। पब्लिक? हाँ। पब्लिक इंटरेस्ट लेगी तो 5 भी चला देंगे। पब्लिक तो बेभरी रहती भाई, किराक रहती पब्लिक आती झूलों के आते एग्जीबिशन में। जी, दूसरा क्या है बोल के? जी जी, ना दालचीनी है ना गरम मसाला है। जी, उनका पखपिल्ला है जी। 80 साल हो गया साहब इसको। 80 साल? 80 साल। कब से करते आप यहाँ पर? ये मैं 20 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ साहब। अच्छा, तो ये एग्जीबिशन फर्स्ट कहाँ था? फर्स्ट ये समझे हम 20 साल से मैं देख रहा हूँ तो यहीं पे देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, 1 जनवरी से इंशाल्लाह जैसे एग्जीबिशन चालू है, तैयारियाँ बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। हमारे अम्यूजमेंट की फिटिंग चालू है, जेंट व्हील फिट हो रहा है, बाइक रेंजर, कप सॉसर, कोलंबस, फ्रिस्बी, रिवॉल्विंग टावर, ये सब आइटम फिट हो रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह एक नया झूला भी आने वाला है जिसका नाम है सुनामी। इंशाल्लाह हैदराबाद की पब्लिक को बेहद पसंद होगा झूला, काफ़ी इंजॉयमेंट होगा, थ्रिल रहेगा उसमें, वो झूले में काफ़ी पसंद करेंगे हैदराबाद की पब्लिक। अच्छा। ये हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह जो है सो पब्लिक भी काफ़ी अच्छी आएंगी इस साल नुमाइश में, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना के होते नुमाइश में पब्लिक नहीं आ सकी थी। इस साल इंशाल्लाह अच्छी पब्लिक आएंगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें उम्मीद है। अच्छा माशाल्लाह। अब ऐसी एक वन टेक में एक लेन में आप कंटिन्यू टक 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 बोल डाले साहब, मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना आप। जी बिल्कुल। ये फर्स्ट एग्जीबिशन कहाँ लगती थी सर? पब्लिक गार्डन। कहाँ लगती थी सर? पब्लिक गार्डन, नामपल्ली पब्लिक गार्डन। नामपल्ली पब्लिक गार्डन। किसकी सदारत में एग्जीबिशन लगती थी उस टाइम पर? सदारत उस्मान अली बादशाह करे, सो मीर उस्मान अली बादशाह। ओके माशाल्लाह, इनॉग्रेट करे जी, बुनियाद रखे थे। अच्छा, कौन से ईयर्स भी बताना है आपको? 1938 में रखे। जी हाँ, मीर उस्मान अली बादशाह। जी हाँ, नामपल्ली अपने पब्लिक गार्डन में। अच्छा, फिर यहाँ पर आके? वहाँ पे कम प्लेस होने की वजह से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर रखे। वहाँ पे थोड़ा पब्लिक ज़्यादा आ रही थी, वहाँ पे कंट्रोल। अच्छा। नहीं करते, उसकी वजह से ये ज़्यादा जगह थी, ये भी नवाबों की प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पर रखा। अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत, मैं उम्मीद तो नहीं थी मेरे को। जी, बहुत भारी जवाब दे डाले आप लोग। इसकी सेफ्टी वगैरह हर चीज़ को देखते चलते हम लोग, और फिटिंग्स में भी हर चीज़ यहाँ पर चेंज करते हैं हम लोग, हर चीज़ फिटिंग से लेके बच्चों की सहूलत को देखते हुए चलते हैं, कोई एक्सीडेंट ना होने की पूरी जैसो कोशिश करते हैं करके, जैसो हमारे पास सेफ्टी पूरे प्रिकॉशंस लेके काम करते हैं यहाँ पर हम लोग। रोज़ जैसो चेक करते हैं झूले जी, चेक करके जैसो उसको रोज़ ट्रॉल करते हैं, उसके बाद में उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत भारी सवाल का जवाब दे डाले आप लोग, हमें उम्मीद नहीं थी। तो गाइस, अपन का जो सवाल था आज का, ज़बरदस्त तरीके से, सही तरीके से इन लोग जवाब दे डाले। साहब आपका नाम? साहब अफरोज बाखरी। अफरोज बाखरी साहब, माशाल्लाह। आपका साहब? इमरान अली साहब। आपका साहब? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, तो अली खान छोटू चैनल के तरफ से एक प्राइज रहता साहब जी, विनर जो भी बनते, अब आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए। मैं 3 जने बैठे हुए, 3 जनों को तो हम तो नहीं दे सकते प्राइस, तीनों को देना पड़ता है, देना है तो ऐसा नहीं होता, तीन मूर्ति दिए, अरे सही बात है साहब, मगर प्राइस का डिवाइड कर लो आप लोग, 2 रुपए का भी प्राइस होता, 2 करोड़ का भी प्राइस होता, उसको वैल्यू नहीं पूछे हम लोग, होना तो तीनों को होना। एक काम करते हैं, तीनों मिलकर आपको दे देते। शुक्रिया बहुत बहुत। तो 1938 में फर्स्ट एग्जीबिशन लगी थी पब्लिक गार्डन में, उसके बाद में उस टाइम पर क्या है 70-75-100 के करीब स्टॉल्स लगते थे, जगह छोटी पड़ने से क्या है मालूम, उस टाइम पर अपने आखिरी निज़ाम जो थे मीर उस्मान अली बादशाह, यहीं पे बड़ा सा ग्राउंड है, बड़े से बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे, ठीक तरीके से पब्लिक थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगी पब्लिक के सहूलत के हिसाब से, तो यहाँ पर बुनियाद रखे, सही है ना साहब? बिल्कुल। मीर उस्मान अली बादशाह। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच साहब, आप लोगों का कीमती टाइम ले लिया,
ज़रा एक अली खान छोटू चैनल की तरफ से छोटा प्राइज रहता आप ले लिए तो बड़ी मेहरबानी। ये हिस्ट्री हम लोग फोर्थ जनरेशन है, हम लोग के बड़े हमारे वालिद साहब हमारे उनके बड़े सब जने कर लेते आ रहे हैं। हम लोग फोर्थ जनरेशन है। अब इस बार हम लोग जो सो कई सालों से जाकिर बकरी साहब की जेर सरपरस्ती में पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग इंतजाम कमेटी के मेम्बर से पूरा फिटिंग वगैरह हम कराते हैं उनकी जेर सरपरस्ती में। माशाल्लाह जी। आपकी क्या राय है साहब, कैसा मालूम है आपको थोड़ा आप 38 तो बोल डाले आप आसानी से। चार खानदान चार पीढ़ी से एग्जीबिशन कर लेते आ रहे हम लोग। माशाल्लाह बहुत पुरानी वो है मालूम है समझो। शुक्रिया बहुत बहुत। आप कुछ ये कुछ भी नहीं, सेम पूरे फैमिली जो है तीनों फैमिलियों का भी कि चौथी जनरेशन है कि हमारे दादा उसके बाद वालिद साहब हम उसके बाद हमारे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हुए तो चौथी जनरेशन है। तो और ऑलरेडी हम लोगों को ऑल इंडिया में मतलब झूले वालों के नाम से ही मशहूर है। अब हैदराबाद में भी झूले वालों के नाम से, फिर उसके अलावा दूसरे बिजनेस भी है मगर ये चीज़ ज़्यादा फोकस है कि हम झूले वालों के नाम से मशहूर। एग्जीबिशन का तो दिल है धड़कन है वो है झूले। पब्लिक आती है एग्जीबिशन झूले झूले के लिए, यहाँ पर झूले न रहेंगे तो फिर मसला ख़राब, एग्जीबिशन फेल हो जाती है, बेकार है। शुक्रिया। जरा एक बार छोटू भाई की तरफ से हम आपको गिफ्ट मिला है। फर्स्ट प्राइज प्राइज के अंदर अंदर क्या है जरा बता दिए तो बड़ी मेहरबानी साहब। हमारे एक जने कोई भी बता तो बस इसमें देखिए फेस मास्क है, सेफ्टी सैनिटाइजर है, इसमें है सैनिटाइजर स्प्रे। माशाल्लाह पूरा प्रिकॉशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं छोटू भाई जी। और ये सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर वाटर बॉटल और एक डिटॉल की बॉटल जी और प्योर हैंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम यानी कि सर्दी के लिए उसका भी आप वो करते हुए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। नहीं साहब आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग कीमती सवाल का भारी जवाब दे डाले। थैंक यू। कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाह रहे आने के लिए एग्जीबिशन को, मास्क सोशल डिस्टेंस कुछ ऐसा? एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से प्रिकॉशंस पूरे लिए जा रहे हैं जैसे कि हैंड सैनिटाइजर रहेगा और फेस मास्क कंपलसरी रहेगा और डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, हमारी जानिब से भी रहेगा, प्रिकॉशंस पूरे फॉलो करेंगे हम। उसके साथ इंशाल्लाह पब्लिक अच्छी आएंगी। इंशाल्लाह पब्लिक जो है मोस्ट अवेटेड एग्जीबिशन है ये, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जीबिशन नहीं हुई, पब्लिक उत्सुक में है कि कब एग्जीबिशन लगेगी और कब हम आके इन्जॉय करें। और अब के तो नए झूले भी आएंगे और मौत के कुएं में इंशाल्लाह 8 बाइक चलेंगी। सीधा बाइक्स 4 चलते थे वो अब डबल हो गए, 8 बाइक्स और 4 कार चलेंगे। आपको इंजॉयमेंट के लिए मुकाबला रहेंगे आपके। एक लेडीज थे दो होंगी, अब दो लेडीज, एक लेडीज थे अब के दो लेडीज चलेंगे। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, पब्लिक आएंगी इंजॉय करेंगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कुछ नया झूला कुछ आ रहा था? सुनामी 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 बोले तो कैसा रहेगा वो? सुनामी रहेगा बिल्कुल, मतलब हाइट वाला रहेगा या गोल? मीडियम हाइट रहती। अच्छा गोल पूरा राउंड फिरता। अच्छा, ग्रिल टाइप रहेगा समझो, ग्रिल जैसा गोल फिरती मशीन के अंदर, उस तरीके का झूला है ये। कितने मेंबर्स बैठेंगे उसके अंदर? 24 ओके, पूरी फैमिली बैठेंगे, फैमिली आराम से एंजॉय कर। शुक्रिया साहब बहुत बहुत। थैंक यू। बहुत कीमती टाइम दे डाले आप लोग, शुक्रिया। तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल अली खान छोटू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी अली खान छोटू पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।